लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशन सर्किट होती है, वो मैनी टू वन कन्वर्टर रहता है। आप मैनी इनपुट हमने देखा था और सिंगल आउटपुट लाइन पे ये इनपुट को रूट कर देता था। तो ये कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट से कनेक्ट होगी वो यहाँ पे डिटरमाइन होता था सेलेक्ट लाइन से। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर हमने पढ़ा था मैनी टू वन कन्वर्टर है। आज हम इस लेक्चर में डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर जस्ट इसका अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर का, ये होता है वन टू मैनी कन्वर्टर। वन टू मैनी मतलब आपका इनपुट जो होगा एक रहेगा, इस प्रकार की आपकी सर्किट रहेगी डी मल्टीप्लेक्सर की। यहां पे आपका ये इनपुट है, ये आप सिंगल इनपुट हो गया। ठीक है, और आउटपुट जो होगा ये आपका मल्टीपल आउटपुट रहेगा। ठीक है, ये आपका मल्टीपल आउटपुट है। जो इनपुट आपका यहां पे आ रहा है वो किसी भी एक आपके आउटपुट पे ये चला जाएगा। ठीक है, सपोज कोई केस होगा ये इससे ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहां पे जो भी इनपुट आएगा इस पे चला जाएगा, कोई अदर केस होगा इस पे। तो कौन से आउटपुट पिन्स पे आपका ये इनपुट कनेक्ट होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा? जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइंस थी तो डी मल्टीप्लेक्सर में भी सेलेक्ट लाइंस रहती हैं। ठीक है, सेलेक्ट लाइंस, तो इन सेलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग इनपुट जो है वो आपका आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट नंबर ऑफ आउटपुट डिनोट किया जाता है 2^n लाइन्स से। ठीक है, और जो n होता है ये सेलेक्ट लाइन्स रहती हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास सेलेक्ट लाइन्स 2 हैं तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो क्या हो जाएगा, 2^2=4 आपका यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने सेलेक्ट लाइन्स 3 लिया हुआ है तो सेम जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में किया था 2^3 यहाँ पे 8 आपकी आउटपुट लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर को, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डी मक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी जैसे साइज कैसे डिटरमाइन होती है, 1x4 डी मक्स, 1x8 डी मक्स, इस तरीके से बोला जाता है, 1x16 डी मक्स। ठीक है, तो ये जो आपके जो 4, 6 और 8 हैं ये क्या बताते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, और जैसे ये 4 है तो आप 4 को क्या लिखोगे, 2^2, तो 2 क्या निकल आएगा, सेलेक्ट लाइंस। जैसे 16 है, 16 को आप क्या लिखोगे, 2^4, तो ये जो 4 है ये आपकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। तो हमें अभी डिजाइन करके देखते हैं 1x4 डीमक्स की सर्किट कैसे बनती है। तो 1x4 का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसमें क्या होगा, इनपुट लाइन्स तो एक ही रहेगी, ये आपका इनपुट लाइन है और 4 आउटपुट लाइन रहेगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 4 को क्या लिखा जाता है, 2^2, तो आपके पास जो सेलेक्ट लाइन्स रहेंगी वो 2 रहेंगी, 1, 2 सेलेक्ट लाइन रहेंगी। ठीक है, तो सेम है, सेलेक्ट लाइन को हम S0 और S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इनपुट लाइन है इसको हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आउटपुट लाइन है हम इसको Y0, Y1, Y2, Y3 इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल, देखते हैं कैसे रहता है। यहाँ पे आपके सेलेक्ट लाइन्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, S1 हो गया और ये हो गया S0 आपका, इनके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, ये 4 कॉम्बिनेशन इसके बन गए यहां पर।
अब हमारे पास आउटपुट क्या है, चार आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये आपके आउटपुट हो गए y नॉट, y वन, y टू, y थ्री, ठीक है, ये आपके चार आउटपुट हो गए। अब देखिए जब जीरो जीरो आता है तो इनपुट क्या होता है, यहां वाला ये जो इनपुट है वो y नॉट से कनेक्ट हो जाता है, ये आपका कनेक्शन यहां पे इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। जब यहां पे जीरो जीरो रहेगा तो ये कनेक्शन आपको ये वाला कनेक्शन मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब y नॉट पे क्या आ जाएगा, y नॉट पे तो आपको मिल जाएगा i, जो भी इनपुट है, इनपुट जो भी है वन या जीरो, i का मतलब यहां पे इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट है बाइनरी में इनपुट है, तो या तो वन होगा या तो जीरो होगा इनपुट, ठीक है। तो जो भी इनपुट होगा वो y नॉट पे चला जाएगा, बाकी जो y1, y2, y3 ये जीरो जीरो है, ठीक है। जब जीरो वन पे देगा तो y1 पे जो इनपुट होता है वो y1 से कनेक्ट हो जाता है, तो y1 से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे i आ जाएगा, बाकी जगह जीरो और इस जगह भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर वन जीरो रहेगा, वन जीरो का मतलब होता है टू होता है, तो y2 से कनेक्ट हो जाता है, तो y2 पे आपको इनपुट मिलेगा, बाकी जगह आपको जीरो जीरो मिला, ठीक है। फिर वन और वन मतलब ये क्या होता है, थ्री होता है, तो इस केस में आपको y3 पे आपको इनपुट मिलेगा, बाकी जगह जीरो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई है ट्रुथ टेबल। तो आप देख के इसमें बता सकते हो y नॉट, ओके पहले हम सर्किट इसके डिजाइन कर लेते हैं कि कैसे ये रियलाइज होगा। देखिए सेम जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया था उसी तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। इसमें आउटपुट आपका एंड गेट के थ्रू रहता है, ठीक है। तो चार एंड गेट, अगर हम 1x4 मल्टीप्लेक्सर बनाए तो चार एंड गेट आप लगा लो, ये हो गया आपका y नॉट, इसी तरह से y1 के लिए हम यहां पे ये वाला एंड गेट लगा दिए y1, y2, ये आपके जो एंड गेट हैं, ये थ्री इनपुट एंड गेट हैं, इसमें आपके s1, s0 और इनपुट का आएगा, ये हो गया y2, सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको 1x8 डी मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो इसी प्रकार से आप इसको y7 तक लेके एक्सटेंड कर सकते हो। और यहां पे आपका एक इनपुट लाइन रहेगी। अब ये इनपुट लाइन जो है ये किसी भी y0, y1, y2, y3, y4, ये जो इनपुट है इसमें आपका जाएगा। तो ये जो इनपुट है आपका ऑलरेडी ये कनेक्टेड रहेगा हर एक एंड, हर एक जो एंड गेट है उससे एक कनेक्शन तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से जो आई है ये y नॉट में तब जाएगा जब यहां पे जो बाकी जो दो इनपुट हैं, एक दो इनपुट और हैं, ये दो इनपुट हैं। अगर एंड गेट में हमने पढ़ा था कि अगर अदर इनपुट उसके वन हो जाते हैं तो जो आपका यहाँ पे इनपुट है इस वाले पिन पे वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे y नॉट मिल जाएगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। जैसे हमारा, जैसे ये आपका इनपुट है, ठीक है, एंड गेट है, तो यहाँ पे आपने a दे दिया है और यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक है। तो आपका आउटपुट इस केस में क्या आएगा, a डॉट 1, a डॉट 1 क्या होगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एंड गेट के दूसरे इनपुट हमने 1 कर लिया है तो ये जो भी आपका अदर पिन पे इनपुट रहेगा वो आपका आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर ये थ्री इनपुट या फोर इनपुट एंड गेट है तो इनपुट लाइन को आउटपुट पे कनेक्ट करने के लिए आपको जो अदर पिन्स होती हैं उस पर आपको वन और वन देना पड़ता है, ठीक है। और गेट में ऑलरेडी हमने पढ़ा था जीरो देना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है, किस तरीके से ये जो अदर पिन्स हैं उनको हमें सेलेक्ट लाइन से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑलरेडी सेलेक्ट लाइंस दी गई होंगी, जैसे कि यहां पे आपको S1 दे दिया है और S0 दे दिया है सेलेक्ट लाइन से, ठीक है। सेलेक्ट लाइन ये तो आपको नॉर्मल मिल गया है और यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, मतलब S1 बार भी आपको अवेलेबल है
और क्या अवेलेबल है, एस नॉट बार भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको बस डिसाइड करना है कि आप कौन से वाई नॉट वाई वन वाई टू में एस वन कनेक्ट करोगे, या एस वन बार कनेक्ट करोगे, एस नॉट कनेक्ट करोगे, या एस नॉट बार कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पे ट्रूथ टेबल पे, ठीक। आप देख रहे हो कि वाई नॉट पे जो इनपुट है वो वाई नॉट पे तभी आ रहा है जब एस वन और एस नॉट आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसलिए वाई नॉट का जो एक्सप्रेशन लिख सकते हो, एस वन बार डॉट एस नॉट बार डॉट आई, ठीक है। देख रहा हूँ ना, अदर तो जीरो है, ये आप इससे ही देखो वाई नॉट को, यहाँ पे सिर्फ ये आई तभी आएगा, यहाँ पे वाई नॉट जो है आई तभी आएगा जब ये एस वन और एस नॉट जीरो हो जाए, एस वन और एस नॉट वन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, बार ले लिया है। तो वाई नॉट आपका ये हो गया एस वन बार एस नॉट बार डॉट आई। तो बस आप सेम आपको ये एक्सप्रेशन जो है इसको रियलाइज करना है, आई तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी एंड गेट से कनेक्ट, ये डॉट का मतलब क्या है, एंड गेट है, दो डॉट है मतलब ये थ्री इनपुट एंड गेट हो गया। तो अब आप यहाँ पे एक एस नॉट से एस नॉट बार से कनेक्ट कर दिया आपने ये ले जाके, फिर अदर इनपुट को क्या, फिर एस वन बार से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपने एस वन बार से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो ये आपको जो वाई नॉट मिल गया है ये क्या है, एस वन बार डॉट एस नॉट बार डॉट आई, ठीक है। तो ये दोनों जब जीरो जीरो होगा एस वन एस नॉट, तो मतलब एस वन बार वन हो जाएगा, एस टू एस नॉट बार भी वन हो जाएगा, तो वन डॉट आई, तो फिर आपको वाई नॉट पे आई मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट केस में आ जाइए, हमें y1 में क्या कनेक्टेड है, ये आप देख रहे हो कि s1 जीरो है और s0 वन है, ठीक है। तो ये क्या है, s1 बार है और s0 है, ठीक है। तो इसमें आपने s0 को तो नॉर्मल में कनेक्ट करना है, ठीक है, आपने इसको नॉर्मल कनेक्ट कर दिया, और फिर आपको s1 का बार कनेक्ट करना है, ठीक है, s1 का बार ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको फिर आप इसका एक्सप्रेशन भी सेम लिख सकते हो, एस वन बार डॉट एस नॉट डॉट वन। तो ये वाई वन पे इनपुट आई कब आएगा, जब ये जीरो और वन, एस वन इज इक्वल टू जीरो हो और एस नॉट इज इक्वल टू वन हो, तब ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आप आ जाइए वाई टू पे, देखो क्या है, वाई टू पे क्या है, वन जीरो है, वन जीरो का मतलब वाई टू के लिए क्या हो जाएगा, एस वन डॉट एस नॉट बार डॉट आई, ठीक है। तो आप यहां पे एस नॉट बार को कनेक्ट कर दो, ये आपका एस नॉट बार इनपुट आ रहा है, इसी को आप लाइन से ले लिया, ये आपका आके इस एंड गेट के एक इनपुट पे कनेक्ट हो गया, दूसरा एंड गेट इनपुट क्या होगा, एस वन कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहां पे एस वन को ले लो, देखिए जैसे दो वायर क्रॉस कर रहा है, अगर आपने डॉट नहीं बनाया तो इसका मतलब यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जहां पे हमने डॉट वायर क्रॉस पे अगर हमने डॉट बना दिया है तो आप समझ लेना कि ये वायर यहां से कनेक्ट हो, जैसे ये यहां से कनेक्ट हो रहा है तो हमने यहां पे इसके लिए डॉट बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप इसी तरह से वाई थ्री पे आ जाओ, वाई थ्री क्या है, एस वन वन हो जाए एस नॉट वन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एस वन डॉट एस नॉट डॉट आई, ठीक है। तो आप इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कनेक्ट कर दो, ये जो एस वन को कनेक्ट कर दिया यहां पे और एस नॉट को कनेक्ट कर देना, करेक्ट। तो इससे आपको यहां पे ये आपका बन गया है वन क्रॉस फोर डी मल्टीप्लेक्सर, वन क्रॉस फोर डी मल्टीप्लेक्सर में आपके यहां पे चार एंड गेट लग रहे हैं, और वो एंड गेट आपके थ्री थ्री इनपुट के हैं, एक तो जो इनपुट है वो सारे एंड गेट में कनेक्टेड है, एंड गेट का आउटपुट जो है वो आपका जो फोर आउटपुट है वो कनेक्टेड है, फिर एस वन और एस नॉट का कॉम्बिनेशन है जिससे हम एस वन और एस वन बार और एस नॉट बार डिराइव करते हैं, और उन दोनों को हम जाके यहां पे एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका डीमल्टीप्लेक्सर है।